الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج هم اپنے سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے. یہ ہم نے مل کے پڑھنا ہے. ये जो कलिमात हैं, ये जो जुमले हैं, इनका तर्जमा हमने, ये नहीं कि मैंने आपको पढ़ाना है, बल्कि ये आपने ही करना है. और यहाँ से शुरू करते हैं. मैंने कल भी आपसे कहा था कि अब आपने खुद कोशिश करनी है. हाजा का माना है ये क्या? ये किताब का किताब माना है किताब. तिलमीज का माना है शागिर्द या तालिब इल्म. तो ये दोनों मिलकर किताब जो है ये मुजाफ हो गई, और ये मुजाफ है तो क्या बना? ये तालिब इल्म की किताब. हाजा ये तालिब इल्म की क्या? अब तर्जमा खुद आप कर सकते हैं. ये तालिब इल्म की किताब है, ये किताब है। शाबाश, चलिए आगे. तिलका का मतलब क्या है? वो वो सैयारा का मतलब क्या है? गाड़ी गाड़ी अब सैयारा ये है मुजाफ है या वैसे ही लफज है? ये मुजाफ मुजाफ है। कैसे पता चला जी मुजाफ है? इसकी क्या निशानी है? अलिफ और लाम नहीं है एक और दूसरा ता पे पेश है, ता पे पेश है, तनवीन नहीं है. ठीक है, चलो तनवीन नहीं है। पता चल गया. ये सैयारा जो लफ्ज है, ये आगे जो उस्ताद लफ्ज है इसके उसकी आखिर में जान बता रही है ये मुजाफिल है, इसकी नस्बत इसकी तरफ है. तो क्या तर्जमा मना? उस्ताद की गाड़ी गाड़ी. गाड़ी तिरका क्या क्या मतलब है? वो अब तर्जमा करें. वो उस्ताद उस्ताद गाड़ी है, की गाड़ी है, वो उस्ताद की गाड़ी गाड़ी है। है. चले आगे जी. अल बलदु इन द शजरतिन, हाँ जी, अल लड़का. अल बलदु बलद लड़का, लड़का इन द मेरा पास, इन द मेरा पास. ये नसीब। नया लफ्ज आया है इसलिए उन्होंने इसका तर्जमा कर दिया है. पहले हाँ जी, ये लफ्ज नहीं आया हमारे सबक में, इसीलिए इन द का मतलब था पास. शजरतिन का मतलब है दरख्त. दरख्त क्या तजुर्बा बना? लड़का दरख्त के के पास है, पास पास है. लड़का दरख्त के पास. पास जालिका क्या मतलब वो है? वो बुस्तान का मतलब है बाग. ये भी नया बाग लफ्ज आया है. बुस्तान जी, कहते हैं बड़े बाग को, और हदीका तो उन कहते हैं छोटे बाग को, बागीचे को. जी बुस्तान बड़े बाग को कहते हैं जिसमें फलों के पौधे लगे हुए होते हैं, उसको बुस्तान बोलते हैं. सदीक कहते हैं दोस्त. बुस्तान दोस्त मुजाफ है और सदीक मुजाफ है. तर्जमा क्या बनेगा? दोस्त का बाग है, वो एक दोस्त का बाग है, वो दोस्त एक का बाग वो बाग दोस्त का है। बाग. एक दोस्त उसने कहा. क्यों कहा? क्योंकि इस पर अलिफ लाम नहीं लगा हुआ. जब हाँ अलिफ लाम जी, ना लगा हुआ हो और वो आगे मुजाफ भी ना हो, उसका तर्जमा हम एक के साथ करते हैं. वो एक दोस्त का बाग है, यानी कोई नहीं, एक नकरा है. ये समझ गया ना? यानी ये लफ्ज जो नकरा होता है उसके तर्जमे में हम एक जो लगाते हैं, ये इस चीज को जाहिर कर रहा होता है ये कोई दोस्त है, कोई खास दोस्त नहीं है. चलिए यार, तिल का इसका क्या मतलब है? वो वो सूरा का क्या मतलब है? तस्वीर. तस्वीर 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 अच्छा, मस्जिदिन जी, वो मस्जिद की तस्वीर है, वो मस्जिद की तस्वीर है. तस्वीर है। अब एक मस्जिद करेंगे या मस्जिद करेंगे, क्या तर्जमा करेंगे?
जी एक शाबाश। मस्जिद। हाँ वो एक मस्जिद की तस्वीर करेंगे, क्योंकि देखिए ना ऊपर हमने किया एक दोस्त का बाग, सिद्दीक के ऊपर अलफलाम नहीं था, नकरा था, आम था, उन्होंने आम को जाहिर करने के लिए एक का लफ्ज इस्तेमाल किया। यहां भी हम ऐसे ही करेंगे, वो तस्वीर है एक मस्जिद की, यानी वो एक मस्जिद की तस्वीर है। चले आगे, जालिका, जालिका वो वो मोल्लम की वो उस्ताद की कुर्सी है एक लफ्ज कर दो, कुर्सी, जी, कुर्सी जी। वो कुर्सी इसकी मोल्लम मुअल्लिम की, अब मिला के करें, मुअल्लिम की कुर्सी, अब इसको मिलाए, वो मुअल्लिम की कुर्सी की है। तो कुर्सी है जब इस तरह करेंगे ना, इकट्ठा करके तर्जमा करेंगे, आप गलतियां करेंगे। जब आप इसी तरीके से चलेंगे, जालिका वो कुर्सी में ना की कुर्सी हो गया, ये मजाक होने की वजह से, इसकी कुर्सी मुअल्लिम की, मुअल्लिम इकट्ठा क्या हो की गया, मुअल्लिम की कुर्सी, और इसको साथ मिलाया तो क्या बना, बना वो वो आम मुअल्लिम या की कुर्सी मुअल्लिम की कुर्सी है। क्या है। बस, चलिए जी आगे, हाजा बना, ये ये उसफूर का क्या मतलब है, चिड़िया चिड़िया चिड़िया, चिड़िया बनद का क्या मतलब है, लड़का, लड़का बेटा लड़का। लेकिन यहाँ वाला दिन है तो क्या कहेंगे, लड़के की, क्या तर्जमा बन लड़के गया, की वो लड़के ये की लड़के की यहाँ चिड़िया चिड़िया, हाँ सा बाद में करना, पहले करना लड़के की चिड़िया, क्या करना, है लड़के लड़के की चिड़िया की लड़के हो गया, अब हो गया लड़के की चिड़िया, अब ये हो गया, और हाजा मिला के क्या कहोगा, ये ये लड़के की। लड़के की चिड़िया है। हाँ जब आप इस तरह सिस्टमेटिकली चलेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, जब आप इस तरह नहीं चलेंगे तो आपको तो मुश्किल होगी, आप गलतियां भी करेंगे। जी आगे, हाजे ही का क्या मतलब है, ये सूरा का क्या मतलब है, तरजिया तस्वीर देने का क्या मतलब है, गाँव एक गांव या सिर्फ गांव, एक एक गांव करना, ठीक है, जब आपने तर्जमा करना है तो उस आपने एक गांव करना है, तो सूरा तो तरियतिन का तर्जमा क्या होगा मिला के, ये एक गांव की गांव तस्वीर नहीं है नहीं ये पहले ऐसा करो, एक गांव गांव की की तस्वीर, तस्वीर क्या हो गया, एक गांव की, गांव की तस्वीर अब करें मिला के करें, अब पूरा करें, ये एक गांव ये की एक तस्वीर गांव है की तस्वीर ये एक गांव की तस्वीर है, ठीक है। ये सूर आप इंग्लिश में भी अपनाएं, इसी जुबान को भी सीखें, तो ये सूर जब अपनाएंगे तो आपको तर्जमा करना आ जाएगा। जी आगे, तेल का क्या वो मतलब है, वो नाफिजा का क्या मतलब है, खिड़की गुरफा का क्या मतलब है, खिड़की ये नया लफ्ज है, कमरा, इसका मतलब है कमरा, कमरा वैसे ये ऊपर ऊपर की मंजिल का जो कमरा होता है उसको गुरफा कहते हैं, जो नीचे का कमरा होता है उसको हुजरा कहते हैं, ये सूरतुल हुजरात जो है वो हुजरा की जमा है, हुजरात, जी तो गुरफा जो है ये भी कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है, जन्नत में उनको गुरफा मिलेगा, यानी उनके लिए बाला खाने होंगे, ये तर्जमा आपने कहीं पढ़ा होगा। जी ऊपर का कमरा तिल का वो नाफिजा, खिड़की, वो गुरफत, खिड़की है कमरे एक की कमरे की या एक बाला खाने की, ठीक है, दोनों तरह तर्जमा कर सकते हैं, कमरा भी इसका तर्जमा होता है और बाला खाना भी इसका तर्जमा होता है, तो क्या हो गया, नाफिजा गुरफा क्या तर्जमा हुआ, वो एक कमरे एक की खिड़की है बाला एक खाने की कमरे की खिड़की खिड़की, अब पूरा है बाला करेंगे, खाने वो एक बाला खाने की खिड़की है खिड़की बाला खाना भी कर सकते हैं, कमरा भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका दोनों तरह सही होता है, एक ऊपर वाले कमरे की खिड़की, हाँ ये भी कह सकते हैं ऊपर की मंजिल के कमरे की खिड़की, वो बाला खाना वही होता है। चलिए बाला जी, ही हाल, मंजिल हाल का क्या क्या मतलब है, क्या क्या हाल क्या होगा ना, ये ये क्या
यौम में ना दिन, ईद दिन, ईद का दिन, यौम ईद, ईद का दिन, ठीक है। ईद भी आम है लेकिन यहाँ हम क्योंकि ईद का जो लफ्ज है ये एक मरफा के तौर पर लिया जाता है, इसलिए हम इसमें एक का नाम ही करें तो कोई मसला नहीं होता। तो अब यौम ईद का क्या हुआ, ईद का दिन, ईद का दिन, आधा यौम ईद का क्या हुआ, अब पीछे को जाना है ऐसे, क्या ये ईद का दिन ईद का हुआ, दिन, क्या ये ईद का दिन है, हल के साथ मिलाएंगे तो क्या हुआ, क्या ये ईद का ईद दिन का है, दिन है जी। ऐसे पीछे को जाना है, यानी पहले इसका कर लेना है जो मुरक्कब है, फिर इसके साथ मिला के जुमला बना लेना है, फिर हल के साथ करना है, फिर आपको सारे का तर्जमा करना आ जाएगा। चले जाके नाम मना, हाँ आजा मना, ये यौम ईद मना, ईद का दिन, ईद का दिन, आधा यौम ईद का क्या तर्जमा, ये ईद का, हाँ ये ईद का दिन है, दिन है। अब नाम को साथ करें, हाँ ये ईद का दिन है, हाँ ये ईद का दिन है, ठीक है जी। अब ये बच्चे उन्होंने नोट दिया है, देखे इस सबक में बार बार हल और माँ का इस्तेमाल हुआ है, आपको मालूम है कि हल एक सवालिया लफ्ज है जिसका जवाब नाम हाँ या ला नहीं में होता है। मजीद वजाहत के लिए कुछ और मिसालें देखें, आप इनको जहन नशीन करें। मसमू का तेरा क्या नाम है, इस्मी सईद, मेरा नाम, सईद है, ये माँ का इस्तेमाल। मसमू की तेरा नाम क्या है, ये मोनस के लिए काफ के नीचे जीरो, इस्मी जैनब, मेरा नाम जैनब। मसमू उसका नाम क्या है, इस्मी हामिद का नाम हामिद है। मसमूहा उस औरत का नाम क्या है, इस्मूहा जाहिदा, उसका नाम साहिरा। अब ये माँ का इस्तेमाल हो गया, अब ये समझिए हम सबक दोहरा रहे हैं, पिछले वाला हमने ये पढ़ा हुआ है, हल का इस्तेमाल, हल हल इस्मुहु साले, क्या उसका नाम साले है, नाम साले, नाम हाँ इस्मुहु साले, ठीक है, हाँ उसका नाम साले है, या ला लेसा, नहीं लेसा इस्मुहु साले, ये खुद ही हमने इधर से ले लेना, ठीक है, ला लेसा इस्मुहु साले। अच्छा अब अगर मोनस का हो, मतलब ये जाहिरा का ताहिरा का है ना, हल इस्मुहु ताहिरा हो या हल हाजे ही ताहिरा, तो हल हाजे ही ताहिरा जवाब में क्या होगा, ला लेसा, ला लेसा ताहिरा। अब इसका जवाब जो है, हल का नाम की सूरत में भी हो सकता है, नाम इस्मुहु साले, हाँ उसका नाम साले है, नहीं में भी हो सकता है, ला लेसा इस्मुहु साले, नहीं उसका नाम साले नहीं है, मतलब ये तो कोई तय नहीं है ना हु कौन है। अच्छा आगे नाम है, इसका भी जवाब दो हो सकता है, नाम हाज ही ताहिरा, हाँ ये ताहिरा है, ला लेसत हाज ही ताहिरा, नहीं ये ताहिरा नहीं है। ये जो ऊपर उन्होंने समझ लो फार्मूला है, ये वाला, ये जो ऊपर दिया हुआ हमने पहले जो खुद किया ना, इसी के मुताबिक उसने ये वो किए हैं, इसमें हमें ये उन्होंने सिखाया है कि हल के जवाब में हमने हाँ या ना दोनों तरह से जवाब उसका हो सकता होता है। एक सवाल पूछना है मुझे उस्ताद जी। हाँ जी, ये जो है ना, जैसे शुरू के अल्फाज थे, मस्मु का है तो हम इसको माँ इस्मु का भी तो कह सकते हैं ना, मस्मु का, मस्मु की, यानी वहां से शॉर्ट करके उसको मीम को सीन के साथ मिला दिया, लेकिन हम अलग भी कह सकते हैं मस्मु का, मस्मु का माँ इस्मी का, या मस्मु की माँ इस्मु की, ऐसे जो है ना बोलचाल, बोलचाल की इजाजत होती जी 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 अच्छा। सर ये माँ और हल है, ये मतलब दोनों का मतलब क्या ही है ना, तो हम हाँ दोनों जी, ही इस्तेमाल कर सकते हैं ना, हाँ क्या के माने में इस्तेमाल होता है,
अच्छा ये देखिए, हम आप दे रहे हैं अल्फाज कुछ दिए हैं, इनमें दो चीजें उन्होंने कहा है कि पहले बात तो ये है कि इस पर जबर जेर नहीं दी हुई, आपने खुद इसको जबर जेर लगा के पढ़ना है। ये आपने पहले जो सीख लिया है ना उसकी मदद से आपने खुद ही इसको जबर जेर लगानी है, ठीक है? तो मुरक्कब इज़ाफ़ी की पहचान भी आपको इस पे करनी है आपने, और इस तरह इन जुमलों का उर्दू में तर्जमा भी करना है। ये आपने तीन काम करने हैं। यानी पहला काम आपने क्या करना है, इस पर जबर जेर खुद लगानी है। ये पढ़ते हुए हाजा ना आप ये पढ़े पहले लफ्ज, ये क्या है? आजा, फजलुका जब हाजा हमने आजा कहा, हा के ऊपर हमने खड़ी जबर लगा दी ना, लाल के ऊपर हमने जबर लगा दी, तो लगा दी ना हमने, अब हम ये लिख भी सकते हैं, ठीक है? इस तरह आगे देखिए, आगे है ये फजल लफज है, आगे अल्लाह है, अब कोई जबर जेर नहीं है। हमने खुद फजलुल्लाह इसको है, उसकी मदद से हमें पता है कि जो मुजाफ होता है उसके ऊपर एक पेश आती है और जो फजलुल्लाह मुजाफ रहता है उसके उसके आखिर में जेर आती है, तो उसके मुताबिक क्या पढ़ेंगे इसको? बाद ही बाद फजलुल्लाह हाजा फजलुल्लाह ही मेरे पीछे पढ़े, फिर आपको आएगा। बाद इसको रोक के पढ़ना है, बल्कि इसका जो असल तलफ़ुज़ होता है दौद का, फजलुल्लाह वो इसकी आवाज थोड़ी देर अपने मखरज में जारी रहती है, यूं पढ़ते हैं इसको, फ़ज़ फ़ज़। फजलुल्लाह जबकि इसके मुकाबले जो दाल होता है उसको ये पढ़ा जाता है फ़द, उसके कलकला होता है करेंगे रोकते फद हैं, ब्रेक लगाते हैं ना, जैसे कोई गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो वो थोड़ी देर चलती रहती है, इसी तरह इसकी आवाज भी थोड़ी आती रहती है, फ़ज़लुल्लाह। फजलुल्लाह फजलुल्लाही ही पढ़े, फजलुल्लाही फजलुल्लाही शाबाश। अब हमने पहचान लिया कि ये मुजाफ है, ये मुजाफ है, ये भी पहचाना गया, जबर जेर भी लग गई, और अब इसका तर्जमा कर दे। हाजा का क्या तर्जमा ये अल्लाह का ये है? ये अल्लाह का फजल है, फजल ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का फजल है। चले जा आगे, ये आगे है रहमत, रहमत रहमतुल्लाही और अल्लाह रहमतुल्लाही मुजाफल है। जी इसके मुताबिक हम इसके रहमतुल्लाही मुताबिक पेश दे के पढ़ेंगे, रहमा तुल्ला ही रहमतुल्लाह। अब ये वासेअतुन, जी वास वासिया वासिया हाँ, रोक के भी पढ़ सकते हैं, वासी आप भी पढ़ सकते हैं इसको, और वासिया रहमतुल्लाही तो वासी जी आप, लेकिन लिखेंगे ऐसे ही जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जी 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 तो उस पर तनवीन हम नहीं देंगे आखिर में, क्योंकि हम उसको वक्फ कर रहे हैं। अब रहमतुल्लाह का तर्जमा क्या होगा? अल्लाह की रहमत अल्लाह की रहमत रहमत, वासिया तो मैं ना बसी, वसी है वसी बसी अल्लाह की रहमत बसी वसी है है, अल्लाह की रहमत बसी है। चले आगे, वसीय तिलमीज मुजाफ है, अल मदरसा मुजाफ लय है, अब इसके तलमीजुल मुताबिक इसके अराब लगाए। मदरसती तलमीजुल मदरसती तलमीजुल मदरसती शाबाश, क्या तर्जमा हुआ इसका? मदरसे का तालिब इल्म या मदरसा का शागिर्द तालिबान या शागिर्द भी कह बाखैरीन, सकते खैरीन खैरियत से है बाखैरीन, मिखाइल, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मिखाइल, क्या तर्जमा खैरियत होगा? मदरसा का तालिब इलम बाखैरियत खैरियत से है बोलते है, या खैरियत से हैं है, खैरियत हाँ से सर है। इसमें चला तलमीजुल मदरसा मदरसा तीन, तू तो नहीं आएगा मदरसा क्या आएगा एक ते के ऊपर जेर मिनट आएगा एक मिनट, ये जो कह रही है ना, एक मिनट, ये जो सवाल पूछ रही है उनको पूछ लेते हैं। जी बेटा पूछो।
सर ये जो है तलमीजुल मदरसा ती आएगा ते, मतलब वैसे तो हम आप मदरसा बताओ तो क्या, पढ़ते हैं ना, आप बेटा बताओ क्या आएगा, आप बताओ। हाँ मुझे तो यही लग रहा है कि मुरक्कब इजाफी है ये, तो जी मैं तो इसमें फिर मजाकी है, मदरसा आपकी है ती बिल्कुल आएगा। ठीक आपने पहचाना कि मदरसा का तालिब इलम तो खैरियत सर ये से। जैसे मुरक्कब के साथ जो अगला लफ्ज आ जाता है जैसे बखैर है या ये ऊपर वासिया है, तो ये क्या होते हैं इनका जरा बता दें दोबारा। ये इस तरह होता है बेटा कि जुमला जो होता है ना, जुमला या तो वो कोई नाम होता है किसी के शुरू में ना, या नाम होता है, या कोई जैसे हाजा हाज ही जमीर होती है, इसमें इशारा होता है, या हुमा हुम इस तरह की जमायर होती है, यानी कोई मारफा होता है, या ये मुरक्कब इजाफी की सूरत में होता है। जैसे ये है देखिए, ये मुरक्कब इजाफी की सूरत में ये जुमले का आगाज या तो किसी मारफा से हो रहा होता है या मुरक्कब इजाफी से हो रहा होता है। तो तो जो ये आखिर वाला होता है जो वो आगाज है इसके बारे में एक खबर होती है, अगला लफ्ज खबर दे रहा होता है। अब तलमीज और मदरसा के बारे में क्या खबर दी उसने कि वो बाखैरियत है या खैरियत से है, ठीक है। इसी तरह ये देखो ये जो रहमतुल्ला है, रहमतुल्ला अल्लाह की रहमत वासियातुन, तो ये रहमतुल्ला जो है ये इसका इससे जुमले का आगाज हो रहा है। अब टेक्निकल जुबान में इसको पता क्या कहते हैं, टेक्निकल जुबान में जुमला इसको जुमला इस्मिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि नहीं समझ इसका रही सर। आगाज इसम से हो रहा है, जैसे हाजा भी इसम है, रहमत भी इसम है, तलमीज भी इसम है, लुगा भी इसम है, ये सारे शुरू में आप देखें इसम है, तो इसको जुमला इस्मिया कहते हैं। ये किस्म होती है, यानी जुमलों की किस्में होती है ना, जिस जुमले के शुरू में इसम होता है उसको जुमला इस्मिया बोलते हैं। और सर ये जो और बखैर मैं है वासिया है ये क्या होगा, मतलब ये एडजेक्टिव्स टाइप ही हैं, एडजेक्टिव ही लग रहे हैं। बेटा वही बताने लगा हूँ आपको कि पहला हिस्सा जो होता है वो अकेला हो या मुरक्कब की सूरत में हो, ये होता है मुब्तदा। इसको क्या कहते हैं, मुब्तदा मुब्तदा का मुब्तदा मतलब है कि जिससे आगाज किया जा रहा है, ठीक हो है। यानी रहा है। पहला हिस्सा मुब्तदा होता है, वो चाहे अकेले मुफरद लफ्ज की सूरत में हो, इसम की सूरत में हो, या वो यानी मुरक्कब की सूरत में हो, जैसे ये रहमतुल्ला है, तलमीजुल मदरसा है, लुगातुल अरब है, हदीकतुल मंजिल है, ये सारे मुरक्कबात हैं। अच्छा, जो दूसरा हिस्सा इसका होता है जैसे वासियातुन है, बखैर है, वगैरह वगैरह, ये जो हिस्सा होता है ये अबर कहलाता है। खबर ये उस मुब्तदा जिसका जुमला शुरू में खबरी आगाज किया गया है उस मुब्तदा की ये खबर होता है। क्या होता है, खबर खबर है, होता है। खबर निशानी जुमला ये होती है खबर खबरी है। की, इसकी बड़ा निशानी ये होती है कि जो मुब्तदा होता है ना वो या तो मारफा होता है, यानी हाजा हाजिर की सूरत में होगा, या किसी का जाती नाम होगा, या अलिफ लाम वाला होगा, या मुरक्कब इजाफी की सूरत में होगा। उसके और बारे ये में जो उसकी खबर होती है ना वो बगैर अलिफ लाम के हो, ये देखिए वासियतुन है, बखैर है, ये अलिफ लाम के बगैर, ठीक है। यानी खबर जो होगी वो अगर वाहिद लफज होगा तो अलिफ लाम के बगैर ही होगा। हाँ ये हो सकता है कि उसकी खबर भी मुरक्कब की सूरत में हो, जैसे ये अगले जुमले में आ रहा है, वहां जी पर लुगातुल कुरान में अलिफ लाम अगले लफज में आ सकता है, पहले में नहीं। ये हम आगे जाके असल में अभी जुमले आने हैं वहां जाके हम लहजा से ये चीज सीखेंगे, अभी हम इसमें टाइम ना लगाए, क्योंकि आज हमारा असल में जो चीज है वो हमने इस सबक को मुकम्मल करना है। तो ये आप एक सवाल पूछना था उस्ताद जी। तीसरा जी जुमला जो है ना, तीसरा जुमला है तलमीजुल मदरसती। अब ये लफ्ज है आखिरी लफ्ज है बिखैर, तो बिखैरी बिखैर या बिखैरिन तीनों ही दुरुस्त हैं। तो बिखैर होता तो बिखैरिन है, लेकिन हम रोक कर पढ़ सकते हैं बिखैर, ठीक है, बिखैर ही नहीं, रोकना है जी तो उसको तो तनवीन
जो हाँ जबर है वो भी खत्म कर देनी है। हाँ तन्वीन खत्म हो जाएगी ना, हाँ बेखैर जी, तन्वीन जी भी खत्म हो जाएगी, ज़ेर भी खत्म हो जाएगी, बिखैर हो जाएगा, जी यानी साकिन हो जाएगा आखिर ना। आगे जी जजाकल्लाह। बढ़े, लुगतुल अरब, अरब अरबी लुगत यानी अरब की लुगतुल जुबान, अरबी लुगतुल लुगतुल अरब कुरान की जुबान। अब देखो लुगतुल अरब ये पहला इसका जुमले का आगाज है, मुक्तदा, जी मुब्तदा है जी, और जुमला है, खबर कुरान ये उसकी खबर, है, अरब की जुबान, कुरान कुरान की जबान की जुबान है। जी। आगे हदीकतुल मंजिल, घर का हाँ बगीचा, बाग बसी है। बसी है, कुशादा है जी। हाँ जी, हाँ जी, ये जल्दी जल्दी मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि अब हमने इस सबक को खत्म करें, ताकि अगला सबक, अगले सेशन में फिर अगला सबक शुरू करें। आगे है अलम सऊदिया, सऊदिया का जी अखबार झंडा अखदर सब्ज है, सब्ज है, याखदरीन बस अखदर पढ़े आप, अखदरीन नहीं होता अच्छा है, सॉरी अखदरून होता है, लेकिन अखदरून जी पढ़ा नहीं जाता, ये जो लफ्ज है ना, अखदर ये अरबी जुबान में जी इसके ऊपर एक पेश ही आती होती है, अखदरू होता है, जी अखदर हुआ है, लेकिन उसको रोक कर पढ़ते हैं अखदर। अकबर लौन समा, भाई उस लौन समाई झंडे का, सॉरी आसमान आसमान का रंग अजरकू का उर्ज़ुक होता उज़ुक है, अजरकू, लेकिन इसको पढ़ते हैं अजराको, अजराको, ये निकल कर एक साथ इसको पढ़ते हाँ हैं। जी, अजरक जी, कभी कुर्सियुल उस्ताजी, उस्ताद की कुर्सी, कभी कवियुन जी मजबूत है, मजबूत है, कवियुन, इसको कवि ऐसे करके रोक सकते हैं। अगले जी अल्फलाहु अल्फल्लाहु, ये अल्फलाह फल्लाह इसको शाद होती है, अल्फल्लाहु अल्फलाह किसान, ये निजामुल एक इस्लाम दूसरा है अल्फलाह है, ये बगैर शब्द के हाँ कामयाबी के फी मन में, अल्फलाहु कामयाबी, निजाम फी ये देखें ये शुरू में निजाम अल्फलाह वाला आ गया ना, फी जी, में फी है निजामुल निजाम निजामुल मुस्तफा मुस्तफा, मुस्तफा के निजाम, यानी मुस्तफा में फला है जी के निजाम में है, या निजाम जी मुस्तफा में है, कामयाबी निजामे मुस्तफा में है। में इसी जी तरह सारे जो अल्फाज हैं इनको आप खुद बनाने की कोशिश करें, आप खुद इसकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह जी आपको ये आ जाएगा। जब तक आप कोई काम खुद नहीं करेंगे ना, उस वक्त तक आपको नहीं आएगा। इंशाल्लाह ताला जिस तरह वो पीछे हमने आपको दो लेसन दिए हैं, आइंदा फिर ये जो इसकी तमरीनात है इनमें से हम आपको फिर इसके जो पेपर्स हैं वो आपको देंगे इंशाल्लाह। ये देखें ये है ना, इसमें तो इसी में से हम आपको देंगे, आप इसको जी देख लें। एंड जो अगला हमारा सबक होगा, यानी अगला हिस्सा जो होगा, अब हम टाइम खत्म हो रहा है, उसमें हम इसकी तमरीनात को करेंगे, उसको वहीं तक छोड़ रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आपने इनको खुद करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह ये अभी हम वक्फा करते हैं, उसके बाद आते हैं दोबारा।